हाय हेलो गाइज, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो मैं भी अच्छी हूँ। सो प्लीज़ मेरी वीडियो के शुरू से लेकर एंड तक देखना ना भूले, और प्लीज़ आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। ओके सो आज फाइनली धूप निकल आई, क्योंकि कल पूरे 24 घंटे बारिश हुई है, थोड़ा रुक के रिमझिम फिर बारिश, बहुत तेज़ बारिश। मैंने आपको शाम के टाइम का लाइव भी दिखाया होगा। सो और मैंने कल की थी, क्योंकि मेरे बच्चे तो बीमारी थे, मैंने आपको बताया है थे। हाँ तो आज भी फिर मेरे बच्चे नहीं गए, क्योंकि बड़ी बेटी कई दिन से जा रही थी, तो कह रही मम्मा मैं आज नहीं जा रही, तो मैंने कहा चल कोई नहीं। और मेरी छोटी बेटी को फिर से दोबारा से आज फीवर आ गया। हाँ बेटा, अभी देखो अभी मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर, हाँ जल्दी, हाँ बैठी हूँ मेरे बाबू, हाँ हाँ कहा हुई अरे नहीं नहीं जी, हाँ हाँ सो गई थी, इसको फुला फुला के सुला दिया था, आज इसको फीवर आ गया है। सो देखा बाबू, तुमको तो फीवर है बाबू, इसको फीवर फिर से आ गया है। सो गाइस कल ये सही थी बिल्कुल, स्कूल गई थी, खूब इसने इन्जॉय किया, इसका ड्राइंग का एग्जाम था वो भी देखे आई है, आज इसको फीवर आ गया। कूलर बंद कर, कूलर बंद करो उसको फीवर, हाँ बाबू ठंड लग गई इसको। दो बार कलर किया था, बता रही है दो बार कलर किया था। और सुबह को सूरज आते वो करते कलर। अच्छा ठंड लग रही है तुमको, चलो दवा दे दें, अब मैं इसको दवा दे दूँ। अब बाबू बैठना, थोड़ा सा बैठो मेरी बेटी। अरे राम, बराबर इनकी केयर कर रहे हैं तब भी इनको बार बार फीवर आ जाता है। छोटी बेटी नहीं सही हो पा रही है, बड़ी तो सही है, वो छोटी नहीं गई तो वो भी कहने लगी मम्मा मैं नहीं जा रही। मैं ठीक है, अरे मैंने चाय बनने रखी थी, देखो चाय बन है, मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि दूध गर्म हो रहा है, तो मैं बंद कर दूँ दूध। चाय बनने रखती, पोहा भी बनाया बच्चों को, आजकल पोहा बहुत पसंद आ रहा है, सब पोहा बना रही हूँ थोड़ी देर में, पहले बच्चों को दवा दे दूँ। हाँ देखो बेड शीट भी बना दी है, दूसरी बिछाने पर, क्योंकि बच्चे हिल रहे थे। और करो और इसका फीवर नहीं उतरेगा तो मुझे अभी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो ऑफिस गए तो मुझे ही देखना पड़ा, तो मैं ही जाऊँगी। डैडी को कॉल करके जाऊँ, डैडी नहीं, डैडी परेशान हो जाते हैं, मैं देख लूँगी। लो डैडी आप बिजी हैं, अच्छा वैसे उनका कॉल ही आया ना, मैं देख लूँगी ना, चले जाऊँगी। हैंगी देना, ला ये इनर दे अपने, हैंगी कहाँ टॉवल, ऐसे कहाँ जाओ तुम, क्या करूँ गाइस, कितने दिन से ये परेशान है, 24-25 तारीख से, तो आज हो गई है 13 अगस्त की बीमार है, खत्म मर आ गया। मैं जा रही थी कपड़े उठाने, क्योंकि कल मैंने ये रूम साफ किया था, बच्चे स्कूल चले गए थे, तो काम चल रहा है आप, तब तक ये जग गई मैंने की बच्चों में हो जाता तो अपने हिसाब से काम कर लेते हैं, जरूरी के काम है जरूरी है। पट्टी लगाऊं है लेट, तुम लेटो, मैं पट्टी लगा रही हूँ। सर्दी लग रही है क्या, सर्दी लग रही है बाबू, सर्दी लग रही है बाबू, तो अब मैं इसके लगा रही हूँ पट्टी।
इसको सर्दी लग रही है, बिल्कुल सही थी। अभी दवा ववा खा पी के खाना तब से जो अभी जल्दी जल्दी देखो कैसा गीला बन। ये सूती कपड़ा नहीं गीला करके लाओ ऊपर करना वहाँ पर फिर से फीवर आ गया मुझे ना बहुत दुख होता है कितने दिन हो गए फिर कराते कराते रोना आ जाता है। मैं कल खुश थी कि मेरे बच्चे सही है। कल मैंने मतलब क्या कहते हैं ये रूम साफ कर लिया था, रूम साफ किया बच्चे स्कूल चले गए थे और बाबू को सुबह ही देखा तो इसको फीवर था 99 तो अब ये सो गई थी। तो मैं अभी आज मैंने बाहर आपको दिखाया था कल कितना गंदा था, बारिश हो गई थी तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया भर गया था तो वही फिर मैंने कपड़े धोले, 3 दिन के कपड़े धो पाए मैंने मशीन में, फिर कपड़े धुले धुल के ये बाहर ऊपर डालने गई फिर नीचे पूरा ये क्लीन किया एरिया। और बच्चों के लिए खाना मैंने पहले ही बना के रख दिया था, ये पुआ हुआ खा कर वही बना लिया दूध दे दिया था। तो अभी मैं देर हो गई क्योंकि मैं कपड़े सूख गए होंगे तो मैंने गिला उठाना, मौसम हो गया बारिश का तो बाबू तुम थोड़ा ले तो क्योंकि मुझे लग रहा बूंदे आ रहे हैं पट्टी लग रहा है ऐसे लेट ही लेना। ओके मैं कपड़े उठा लूँगी सारे गीले हो जाएंगे बिल्कुल। कपड़े लिए मैं जा रही थी क्योंकि अभी बीच में लाइट चली गई थी, क्योंकि लाइट चली जाती उससे पता पड़ जाता कि बारिश होने वाली है तो वैसे ही मौसम हो गया है अंधेरा सा हो गया पॉलिथीन लो पॉलिथीन का रख दे। सो गाइस प्लीज सपोर्ट फॉर मी, मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपनों बच्चों के साथ साथ। अरे मेरा देखो माइंड काम नहीं कर रहा, चाय ये सब बंद कर दिया। आ रही बेटा है अभी आती है ले आऊँ बौछार थी स्लीपर, हाँ स्लीपर पहन नहीं थी, ऐसा मेरा माइंड हो गया कि मैं बता नहीं सकती क्या कर रही हूँ। कपड़े लेकर आऊँ सारे भी जाएंगे आज बड़ी मुश्किल में, अब धीरे धीरे इतना ही काम हो पाता है। गेट फेर दिए बाबू आती हूँ, इससे हमें सूख गए कल स्कूल गई थी क्योंकि बाहर रह गए थे इसके शूज सारे पैट हो गए स्कूल के, फिर मैंने सैंडल पहना के इसको भेजा वो भी गंदे हो गए तो वो भी धुल के रख दिए, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। ये आप देख सकते हैं ये देखो सारा क्लीन हो गया, सो ये सूख जाएगा तो कूड़ा भरूँगी वो बहुत सारा दे। ओह गॉड बारिश होने लगे, हाँ बारिश हाँ सही, मैं ऊपर से ही फेंक दूँ रोज इसी टाइम पता नहीं क्यों है इसी टाइम रोज बारिश आती है पता नहीं। उठाऊँ कपड़े लटाऊँ बैठाऊँ सारे मेहनत बर्बाद हो जाएगी भींग गए तो गॉड ये देख सकते हैं कितने कितने से लेट आ रहे हैं। ये देखो आगे बारिश कितने थे ओ गॉड तो वेर से लगी हूँ तब जाके स्ट्रॉन्ग तो फिर 3 तार भर गए वहाँ से लेके यहाँ तक। जल्दी जल्दी में कपड़े गिर भी रहे हैं। मोबाइल बाद में देखिए ना पहले कंप्लीट करो। अंकल जी कह रहे मोबाइल पकड़ने के हाथ में
अंकल जी मैं अभी ब्लॉग बनाना स्टार्ट की तब तक वारिस आ गई, वो उसको फीवर आ रहा तो उसको देख मैं आ रही थी पाँव उठाने कपड़े ही, तो वो एकदम जग गई छोटी बेटी, तो मैं उसको दवावा देने लगी। सो मैंने कहा ने फाइनली धीरे धीरे कितना ढेर लगाए, और ये समझ लो पूरा एक महीना हुए जा रहा धीरे धीरे। कपड़ों की तो मैं फोल्डिंग नहीं कर पा रही, बिल्कुल तय नहीं बना पा रही हूँ कि अपने कपड़े फोल्ड कर लूँ। सो आज ही मैंने सारे पैदा वैदा सारे सब कुछ धोया था, कितने दिन मतलब बच्चों का देखें कि काम करें और काम से ज़्यादा तो बच्चे हैं, काम तो एक आज निकालो तो कल कर लोगे। कुर्सी बता रहा है चट्टी रख दिए मैंने, तेज होने वाली है बारिश, अंकल जी कपड़े उठाने आए। फाइनली मैं उठा ला कपड़े, सो फोन पर भी बूंदा पड़ गई, अभी फोल्ड वोल्ड मैं थोड़ी देर में करूँगी, पहले उसको देखूँ। बारिश रुक दिखाऊँ जिला सही। हाँ बाबू कैसे हो, अभी भी ठंड लग रही है क्या है, टेम्परेचर नापो बेटा आपका, नाप लिया था पापा ने, हाँ हाँ रुको मैं भी नाप लूँ। रुको सही से बैठो दिखाओ, बहुत तेज फीवर है बेटा आपको, अभी तो आप बिल्कुल सही थी हैं, कैसे फीवर आई बच्चों को, सही हो जाओगी परेशान नहीं मम्मा है ठीक है। अभी मैं डॉक्टर अंकल जी से देखो कॉल करती हूँ, वो बैठे हैं कि नहीं, सही चलती हूँ आपको लेती है? दीदी को नहीं, दीदी भी चलेगी, दीदी कहाँ रह जाएगी बेटा, अकेले थोड़ी छोड़ के जाऊँगी, दोनों बच्चों को साथ ही ले जाती हूँ, वो रुकती नहीं है, अगर रुकेगी तो छोड़ जाऊँगी, नहीं तो दोनों को साथ ही लेके जाऊँगी। सही थे तो कल बाहर का मांग ले रहे, मम्मा मुझे बाहर का चाहिए, मैंने नहीं बेटा अगर मैं खिला भी दीदी धोखे थे बस मेरा ही नाम आया था तूने खिला दिया, तो बच्चों को बीमारी करने में रहती है, खुद ही बाहर का खाती है बच्चों को केवल खिलाती है, जबकि पढ़ के सोइए, दोनों बच्चे पढ़ रहे थे क्योंकि एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं इनके 18 तारीख से और 1 तारीख को फिनिश होंगे, तो एक दिन छुट्टी एक दिन पेपर है इन लोगों का, तो मैं वही मतलब इनको पढ़ा रही थी, अपना नहा धो के फ्री हो के काम वाम करके इनको पढ़ा रही थी, मैंने पढ़ लूँ, मैंने भी सोचा चाय बनाई कपड़े उतारने जा रही, तो इस बीच में अपना ब्लॉग बना लूँ। तो देखो आप मतलब मेरे पास टाइम होता मैं तो ही बनाती हूँ, ये नहीं कि मैं लगी हूँ, आज इस बात से देखो बनाने बैठी तो उसकी भी फीवर रिकॉर्ड कर लिया, अभी नहीं बजा यार हो गया, ओ 101.9 1.9 देखो फीवर आ रहा मेरी बेटी को, देखो है ये देखो। सो अभी बिना डॉक्टर के तो सही नहीं होगी, तो मौसम हो रहा है बारिश का, ना तो मेरे पास स्कूटी है और ना ही यहाँ से बैठी हुई है, चली जाऊँ लेके बच्चों को, पैदल ही जाना पड़ेगा, पैदल जाने का 15 मिनट का रास्ता है और बीच में बारिश बच्चे भींगे तो और बीमार हो जाएंगे, चलो ऑयल लगा दे, चलो भी फीवर हो तो बच्चे के सिर में थोड़ा सा पानी और ऑयल लगा दे बेटा, हाँ वैसे हट जाने तो हट जाने दो।
हफ्ते में ऑयल लगा रही हूँ ना। फिर मैं थोड़ा सा गीला कर दिया इसका सिर ऐसे यहाँ पर, और ये ऐसे कर दिया। हाँ 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 थोड़ी सी हल्के हल्के और इसे लगा दो सरसों का तेल और पानी लेकर लगा दो सिर पे, चढ़े नहीं बच्चों के फीवर। ऐसे क्या सिर पे नहीं चढ़ता है बच्चों के फीवर, सरसों को ऑयल और पानी लगा के। मैं इसको नहलाने जा रही थी तो इसने बोला मम्मा मुझे सीधी पहना रही है, मैं नहीं तो सो जा बेटा, ये पोहा खा के सो गई है। और वापस चले गए तो उसके बाद से ये लोग खेले थोड़ी बहुत पढ़े, फिर बोलने लगे पोहा खाओ पोहा खा के। पढ़ाई तो रही थी, पढ़ते पढ़ते सो गई थी, भूल गई लिखते लिखते तो सोई गई थी। खाते पोहा एक ही लिखा था। चल लेटो। अपने आप से कर बीमार है, अपने आप से कर रहे हैं। पैरों में दर्द तो नहीं है? अच्छे हो जाओगी, देखो सब लोग देख रहे हैं आपको, अच्छे हो जाओगी। हेलो कल सर तो गाइस आप लोग कैसे हैं? और मौसम हो गया बरसात का, अभी मैं बाहर भी नहीं जा सकती क्योंकि हमें इसको दिखाना भी है। थोड़ा मैंने अभी दवा दी है, पट्टी रख दी और लगा दिया है। सो देखती हूँ कम से कम एक दो घंटे सही रहेगी, उसके बाद थोड़ा धूप से निकलेगा सही रहेगा मौसम, तो मैं इसको डॉक्टर को दिखाने जाऊँगी क्योंकि वैसे भी जाना था तो हमारे पास इतना टाइम नहीं मिला हम चले को। हाँ कॉल भी किया था सर के पास, सर कह रहे थे मैं लखनऊ हूँ तो इसलिए फिर हम लोग जा नहीं पाए। बीच में कल बच्चों का एग्ज़ाम था तो कल बच्चे एग्ज़ाम देने भी चले गए, क्या करें। ये समझ लो मैंने अभी खाना नहीं खाया, कितना टाइम हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 1 बज गया। वही चाय बना रही थी, खाना आना सब बना रखा है, चाय पोहा ही खा लो, चाय ठंडी हो गई। अब चाय गरम कर लूँ तो मैं पीऊँगी चाय और पोहा, ऐसा कैसा ही रखा है तो खाऊंगे। बात नहीं करो, रेस्ट कर लो। क्या कह रही? ये बड़ी थी ड्रेस, बड़ी थी नहीं ड्रेस उतनी थी, वो छोटी हो गई है। कह रही मम्मी ये इतनी सी ड्रेस थी या बड़ी थी या छोटी थी, मतलब कहने का अलग है। अब बच्चों को क्या पता कि हम बढ़ने लगते हैं कपड़े छोटे हो जाते हैं, ऐसा होता है। सो गाइस मैं आपसे ओके प्लीज़ सपोर्ट फॉर मी
एंड स्किप ना करें। एंड जिस किसी ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बस ऐसे ही हमारे चैनल पर बना रहे अपना छोटा सा प्यार और छोटा सा सपोर्ट आप बनाए रखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। कोशिश करती हूँ, बस कोशिश ही है जो मेरी, मैं बस उसी को कोशिश मतलब मैं क्या कहूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ, बच्चे बीमार हो जाते हैं। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं बच्चों को ही देखूँ।